हेलो एवरीवन, चलिए देखिए इस वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, क्या है, कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन ये पढ़ेंगे। ठीक है, कि कैसे कांच के आयताकार से अपवर्तन होता है। ठीक है, आयताकार स्लैब से अपवर्तन होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, मान लेते हैं क्या है, ये एक कांच का क्या है, आयताकार स्लैब है। ठीक है, ये हमने क्या मान लिया, कांच का आयताकार स्लैब, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, ग्लास स्लैब ले लिए। ठीक है, ये ले लिया, इसका देखिए नाम दे दिए, ये क्या हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया एंड ये डी हो गया। ठीक है, अब ये देखिए क्या है, कांच का है। ठीक है, ये कौन सा माध्यम हो जाएगा, ये सघन माध्यम हो जाएगा, ये विरल माध्यम है और ये विरल माध्यम है। ठीक है, मतलब कि जो माध्यम एक है ये कौन सा माध्यम है, ये विरल माध्यम है, विरल माध्यम। ठीक है, इसको देखिए इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम। ठीक है, और ये वाला देखिए, दूसरा वाला जो माध्यम है ये कौन सा है, सघन माध्यम है, सघन माध्यम। ठीक है, इसको देखिए इंग्लिश में क्या कहते थे, डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। ठीक है, और ये वाला भी जो माध्यम है, तीसरा माध्यम, ये भी क्या है, ये विरल माध्यम है। कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या, तीन माध्यम है, पहला तो ये हो गया एयर है, दूसरा क्या है ग्लास है, और ये तीसरा क्या है एयर है। इसको क्या लिख लेंगे, ये आपका पहला माध्यम एयर हो गया, दूसरा माध्यम ये क्या है, कांच है, मीन्स क्या है, ये ग्लास है, दूसरा माध्यम क्या है, ये ग्लास है। ठीक है, तीसरा भी क्या है, ये एयर माध्यम है। ठीक है, ये दो माध्यम हो गया, पहला है दूसरा, फिर आपका फिर एयर में प्रकाश की किरण आ रही है। अब देखते हैं, सपोज कर लीजिए, मान लीजिए प्रकाश की ये किरण है। ठीक है, ये इस पे आ रही है, ठीक है, आपतित हो रही है, नाम दे दीजिए इसका ई है ओ, ई ओ क्या हो रही है, इस पर आपतित हो रही है, बिंदु ओ पे क्या हो रही है, आपतित हो रही है, मीन्स ये कौन सी किरण है, ये आपतित किरण है, इसका क्या नाम देंगे, आप तित किरण, आपतित किरण। देखिए इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये कौन सी रे, इंसिडेंट रे है। अब देखिए इस बिंदु पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये नॉर्मल बन जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, सपोज कर लीजिए एन और एन डैश, ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। अब देखिए, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, मतलब कि रेयरर टू डेंसर जाती है, तो वो किस तरफ मुड़ जाती है, ये आपका ये जो नॉर्मल रहता है, अभिलंब रहता है, अभिलंब की तरफ क्या हो जाती है, ये झुक जाती है। ठीक है, तो वैसे तो इसको देखिए कैसे जाना चाहिए, वैसे तो इसको ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए। ठीक है, देखिए इसको सीधे निकल जाना चाहिए। ठीक, लेकिन ये क्या हो जाती है, ये अभिलंब की तरफ ये क्या हो जाती है, झुक जाती है, अभिलंब की तरफ ये बेंड हो जाती है। ठीक है, और कौन सी पॉइंट पे ये मिलती है, ओ डैश पे। अब इसका क्या हो जाएगा, अभिलंब यहाँ पे ये बना देंगे, ये क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, एम और एम डैश इसका क्या होगा, अभिलंब होगा। ठीक है, मतलब कि अब देखिए क्या है, ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम से अब कहां पे जाएगी, विरल माध्यम में जाएगी। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, मतलब कि इसको देखिए कैसे जाना चाहिए था, ऐसे आना चाहिए था, लेकिन तो अब क्या हो जाएगी, अभिलंब से ये दूर की तरफ जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसे निकल जाएगी किरण। ठीक है, इसका देखिए नाम ओ दिए थे और इसका ये नाम दे दीजिए एच दे दीजिए। ठीक है, ये हो गया, यही देखिए क्या होता है, कांच के आयताकार ग्लास स्लैब से अपवर्तन होता, मतलब कि जो आपतित किरण होती है ये जब इस बिंदु पर आपतित होती है तो ये क्या होता है, अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, ये बिंदु ओ पर आती है, ये कौन सी की किरण हो जाएगी, इसको क्या नाम दे देंगे, अपवर्तित किरण। क्या है, अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण है। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। और ये वाली देखिए, जो ये वाली किरण होती है, ये वाली जो जाती है रे, ठीक है, इसका देखिए क्या नाम दे देंगे यहाँ पे, ये निर्गत किरण है, हिंदी में क्या कहते हैं, निर्गत किरण।
किरण, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में इसी को कहते हैं इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे, ठीक है। और देखिए ये जो इमर्जेंट रे होती है निर्गत किरण, मतलब कि ओ और एच, यहाँ पे ई ओ जो आपतित किरण होती है और निर्गत किरण होती है, ये दोनों को क्या होती है, एक समांतर होती, मतलब ये इसको आप खींचेंगे तो ये दोनों क्या रहेंगी, ये समांतर जाएंगी। और इनके बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, हिंदी में देखिए इसको क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। इनके जो बीच की दूरी होती है इसी को क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन, ठीक है। इंग्लिश में देखिए क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसी को कहते हैं, ठीक है। यही था क्या था, कांच के आयताकार ग्लास स्लैब से अपवर्तन था, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना कि जो क्या होती है, निर्गत किरण होती है और आपतित किरण होती है, इन दोनों को जब बाद में ऐसे ले जाएंगे तो ये दोनों क्या हो जाती है, समांतर जाएंगी। और इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्या है ये, लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, इतना समझ गए। अब देखिए अगर ये जो क्या होता है आपका अपवर्तन कब नहीं होता, अपवर्तन कब नहीं होगा, अब देखिए दो कंडीशन है अपवर्तन कब नहीं होता। पहला क्या होगा कंडीशन, कि जब जो आपतित किरण होगी ये क्या होगी, परपेंडिकुलर आएगी, मतलब कि जब आपतित किरण होगी इस ग्लास स्लैब के सीधे जब आएगी, सीधे आपतित होगी परपेंडिकुलर, तो क्या होगा, कोई भी अपवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कोण आई बराबर क्या हो जाएगा, कोण आर, तो क्या हो जाएगा, अपवर्तन नहीं होगा, ठीक है। जब कोण आई बराबर कोण आर रहेगा तो अपवर्तन नहीं होगा। दूसरा कंडीशन ये है, मतलब कि जब अपवर्तनांक, ये माध्यम पहला है और ये माध्यम दूसरा है, जब पहले माध्यम का अपवर्तनांक, इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब कि दोनों का जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, सेम होगा, तो भी अब जो ये अपवर्तन होता नहीं होगा। अपवर्तनांक को देखिए N1 बराबर जब N2 होगा तो भी अपवर्तन नहीं होगा, ठीक है। ये अपवर्तनांक है, ठीक है, इसी से दर्शाते, अभी आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो ये समझ गए ना, तो यही क्या था, कांच के आयताकार ग्लास स्लैब से अपवर्तन था, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, आगे देखिए नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ओके ओके, थैंक यू।